सो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर यामी गौतम के बारे में। यामी गौतम बॉलीवुड की जानी मानी एक्टरों में से एक हैं। इनका जन्म 28 नवंबर 1988 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ। ज्यादातर लोग जानते होंगे यामी गौतम की पहली फिल्म आयुष्मान खुराना के संग आई विक्की डोनर से शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की। उन्होंने अपना पहला शो किया जिसका नाम था चांद के पार चलो। फिर यामी गौतम 2011 में आए फेयर एंड लवली के एड में नजर आए। हिंदी में यामी गौतम की पहली फिल्म विक्की डोनर थी, जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना नजर आए थे। विक्की डोनर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, इसके बाद यामी गौतम के आगे के रास्ते भी खुल गए। यामी गौतम पॉपुलर एक्टर की शुमार लिस्ट में शामिल हो गईं। यामी गौतम एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो चंडीगढ़ में पढ़ी बड़ी हैं। उनके पिताजी मुकेश गौतम पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर भी हैं। यामी गौतम पहले आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उनकी रुचि एक्टिंग के क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए वो मुंबई चली गई और अपना पहला शो किया चांद के पार चलो। यामी गौतम ने बॉलीवुड से पहले कन्नाडा फिल्मों में काम किया, फिर उसके बाद विक्की डोनर और बदलापुर से उन्हें एक नई पहचान मिली। यामी गौतम के लिए एक बॉलीवुड में करियर बनाना इतना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। वैसे आप सभी को यामी गौतम कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।